नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आर एन फैक्ट्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि मिस इंडिया कैसे बना जाता है और कौन कौन इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, मिस इंडिया बनने का एक क्राइटेरिया होता है। सबसे पहला क्राइटेरिया है आपकी एज। आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप 26 या 27 साल की हैं तो मिस इंडिया में पार्टिसिपेट तो कर सकती हैं, लेकिन आप कभी भी विनर पोजीशन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी। मतलब कि इस कंडीशन में आप सेकंड या थर्ड पोजीशन के लिए ही एलिजिबल हो सकती हैं। दूसरा क्राइटेरिया है आपकी हाइट। आपकी हाइट 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए। अगर इससे 1 इंच भी कम है तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तीसरा क्राइटेरिया है कि आप अनमैरिड होनी चाहिए, यहाँ तक कि आपकी एंगेजमेंट भी नहीं हुई हो। चौथा क्राइटेरिया है आप इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। आपके पास इंडिया का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आपके पासपोर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, जैसे कि नाम, एड्रेस, आपकी उम्र आदि चीजें। तो दोस्तों, मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने के लिए ये सब क्राइटेरिया है। अब हम आपको बताएंगे कि मिस इंडिया के लिए ऑडिशन कैसे होता है। इसके लिए पूरे इंडिया को 4 जोन में डिवाइड किया जाता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इन 4 जोन में जो स्टेट्स आते हैं उनमें प्रत्येक स्टेट से 3 लड़कियां सेलेक्ट की जाती हैं, और इस तरह से फाइनल कॉन्टेस्ट के लिए पूरे इंडिया से 30 लड़कियां सेलेक्ट की जाएंगी। दोस्तों, अब इन 30 लड़कियों में से किसे चुना जाएगा? सबसे पहले तो आप में फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि इस कॉन्टेस्ट में सबसे पहले कॉन्फिडेंस को जज किया जाता है। इसके बाद आपका स्पीकिंग स्किल जज किया जाएगा। अगर आपको स्टेज पर स्पीच देने में हेजिटेशन होता है तो ये आपके लिए मिस पॉइंट हो सकता है। अगला पॉइंट, आपकी हॉबीज के बारे में जानेंगे। जैसे कि किसी की हॉबी डांसिंग हो सकती है तो किसी की सिंगिंग भी हो सकती है। ये सारे पॉइंट जज करने के बाद आपसे जानेंगे कि अगर आज आप मिस इंडिया बन जाती हैं तो समाज के लिए आप क्या करेंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।